नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। आप देख रहे हैं आरएसए फिल्मी। आज मैं आपको हॉलीवुड की फिल्म द ब्रास टीपॉट की कहानी सुनाऊंगा। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जॉन और एलिस को दिखाते हुए। ये प्रेमी जोड़ा अपने लाइफ में बहुत परेशान होता है। इनके पास नौकरी और घर का किराया देने के भी पैसे नहीं होते हैं। एक दिन वो घर का सामान लाने बाहर जाते हैं, तब उनका एक्सीडेंट होता है, पर वो बच जाते हैं। एलिस को एक बूढ़ी औरत के पास एक टीपॉट दिखता है। एलिस उसे बहुत कीमती समझकर चुरा लेती है। घर आने के बाद एलिस को पता चलता है कि खुद को तकलीफ देने पर ये टीपॉट उसे पैसे देता है। धीरे धीरे वो खुद को बहुत तकलीफ देती है और बहुत सारा पैसा कमाती है। बाद में उसके बॉयफ्रेंड जॉन को भी पता चलता है। जॉन उस टीपॉट की असली कीमत जानने के लिए म्यूजियम में और टीवी चैनल पर दिखाता है, जिसके कारण एक चाइनीज आदमी को टीपॉट के बारे में पता चलता है। बाद में एलिस के घर दो लोग आते हैं और जॉन को बहुत मारते हैं और टीपॉट मांगते हैं। एलिस उन्हें टीपॉट के बदले बहुत सारे पैसे देती है और वो चले जाते हैं। बाद में जॉन और एलिस एक लाइब्रेरी में जाकर उस टीपॉट के बारे में पता लगाते हैं। टीपॉट 2000 साल पुराना है और इसके अच्छे और बुरे दोनों नतीजे हैं। बाद में ये दोनों अपने सपने पूरे करते हैं और बड़ा घर भी लेते हैं। एक दिन उनके नए घर पर पार्टी होती है, तभी वो चाइनीज आदमी डॉक्टर ली आता है और जॉन और एलिस को उस टीपॉट के खतरे के बारे में बताता है। पर एलिस उस पर भड़कती है और उसे जाने को कहती है। फिर उनके घर आर्मी यानी कि एलिस के स्कूल का लड़का आता है। वो उससे जलता है और टीपॉट लेकर भागता है और अपने ट्रक से कुचल कर तोड़ना चाहता है, पर टीपॉट को कुछ नहीं होता। बाद में जॉन और एलिस डॉक्टर ली के पास टीपॉट को लेकर जाते हैं। डॉक्टर ली उन्हें बताते हैं कि इतिहास में बहुत बड़े लोग इसके कारण बर्बाद हो गए हैं। इसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता। आप इसे मुझे दे दो, मैं इसे हमेशा के लिए दुनिया से छुपा देता हूँ। पर एलिस को ये बात मंजूर नहीं होती। रात को फिर वो दो लड़के आते हैं और मारामारी करके पूरा पैसा लेकर भाग जाते हैं। उन्हें पता है कि टीपॉट शैतानी है, इसलिए वो सिर्फ पैसा ही लेकर जाते हैं। बाद में जॉन फिर से पैसा कमाना चाहता है, पर टीपॉट बहुत कम पैसा देता है। फिर जॉन बार में जानबूझकर मार खाता है। बाद में एलिस को पता चलता है कि दूसरों को तकलीफ देने पर भी ये पैसा देता है। तो ये ऐसी ऐसी जगह जाते हैं और बहुत पैसे कमाते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि किसी को मानसिक दुख देने पर भी टीपॉट पैसे देता है। फिर जॉन और एलिस अपने सीक्रेट बताकर एक दूसरे को तकलीफ देते हैं। एलिस बताती है कि जॉन से पहले मैं आर्मी के साथ भी वो सब कर चुकी हूँ। तो जॉन आर्मी को मारने जाता है और आर्मी को टीपॉट के बारे में पता चल जाता है। बहुत से लोगों को तकलीफ देकर पैसे कमाने के बाद भी एलिस का जी नहीं भरता। फिर वो एक बुरे आदमी को मारकर बहुत सारे पैसे कमाना चाहती है। उसे गाड़ने के लिए एक गड्ढा भी खोदती है, पर जॉन को ये पसंद नहीं आता। वो दोनों में से किसी एक को चुनने को कहता है, पर एलिस जवाब नहीं देती। अब जॉन डॉक्टर ली से मदद मांगता है एलिस को रोकने के लिए। रात में जॉन एलिस को ये सब रोकने के लिए कहता है, वरना वो अपनी जान दे देगा। फिर एलिस समझ जाती है, तभी आर्मी वहां आकर टीपॉट चुरा ले जाता है। दूसरे दिन वो दोनों आर्मी के घर जाते हैं।
पर आर्मी टीपॉट देने से मना करता है। फिर वहां वो दो लड़के भी आते हैं, उनके बीच गन फायरिंग होती है, सब मारे जाते हैं। टीपॉट से बहुत पैसा निकलता है। जॉन और एलिस सारा पैसा टीपॉट और लेकर घर से बाहर आते हैं। तभी डॉक्टर ली वहां आते हैं और वो दोनों टीपॉट को डॉक्टर ली को दे डालते हैं। बाद में डॉक्टर ली टीपॉट को समंदर में फेंक देते हैं और ये फिल्म यही खत्म होती है। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही एक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फिल्मी।